सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम वन प्लस नॉट सी टू लाइट इस मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। दोस्तों, आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को वन प्लस नॉट सी टू लाइट और वन प्लस के दूसरे मोबाइल्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आपके मोबाइल की होम स्क्रीन को होल्ड कीजिए। मोबाइल की होम स्क्रीन को होल्ड करते देखिए, आप यहाँ पे से वॉलपेपर्स और आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं और इन्हें रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विजेट्स दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे से देखिए, आपके होम स्क्रीन पे क्लॉक पैटर्न को चेंज कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे से डिफरेंट विजेट्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। लेआउट दिखाई दे रहा है, आप इसे यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, हमारा लेआउट 5x5 का है, अगर आप चाहे तो इसे 5x6 या 4x6 इस तरीके से यहाँ पे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, आपको ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे से आपके मोबाइल के इस एनिमेशन इफेक्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लास्ट में मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। मोर ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही देखिए, आपको यहाँ पे लॉक होम स्क्रीन ये यहाँ पे डिसेबल दिखाई दे रहा है। अगर आपने यहाँ पे से इसे इनेबल किया तो देखिए, अगर आप आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे से यहाँ पे से आइकॉन्स को चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पे से इसे मूव नहीं कर सकते और आप इसे यहाँ से अभी अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, ये लॉक होम स्क्रीन ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर आप आपके मोबाइल को किसी और को यूज़ करने के लिए देते हैं तो आपके मोबाइल में किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस को नहीं कर सकता है। इसके बाद में आपको देखिए, यहाँ पे डबल टैप टू लॉक की ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल दिखाई दे रहा है, आप इसे इनेबल कर दीजिए। इसके बाद में जब भी आप आपके मोबाइल को डबल टैप करेंगे तो आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन ये भी यहाँ पे डिसेबल दिखाई दे रहा है, तो आप इसे भी यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। तो अभी आप आपके मोबाइल की होम स्क्रीन को डबल टैप करके इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में आपको रिसेंट टास्क मैनेजर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे यहाँ पे से सिलेक्ट कीजिए। इसे सिलेक्ट करने के बाद में देखिए, आपको यहाँ पे डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने इसे अभी मिनिमाइज़ किया तो देखिए, आपको यहाँ पे आपका रैम का स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपने इसे यहाँ से इनेबल कर दिया तो देखिए, अभी हम जब इसे मिनिमाइज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए आपकी फ्री रैम कितनी है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप इसे इनेबल करके आसानी से आपके मोबाइल की रैम को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करते आपको यहाँ पे कनेक्शन शेयरिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद में देखिए, आपको हॉटस्पॉट सेटिंग ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से देखिए, आप आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट के नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पासवर्ड को भी आप यहाँ पे से रीसेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे से इसके पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं और इसके नेटवर्क नेम को भी रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद में आपको देखिए, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी को ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से आपके मोबाइल का पैटर्न लॉक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फेस आईडी ऐड कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आपको स्टेटस बार इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद में देखिए, आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ये डिसेबल दिखाई दे रहा है, आप इसे इनेबल कीजिए। इसे इनेबल करते देखिए, आपको यहाँ पे आपकी बैटरी परसेंटेज में दिखाई दे रही है, तो ये आपको मॉनिटर करने के लिए बहुत ही आसानी होगी कि आपके मोबाइल में कितनी बैटरी यहाँ पे बाकी है। इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल दिखाई दे रहा है, दोस्तों आप इसे इनेबल कर दीजिए। जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं तो देखिए, आपको यहाँ पे आपकी इंटरनेट स्पीड यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से आप आपके मोबाइल के अंदर क्या इंटरनेट स्पीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ को आप आसानी से यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। सिस्टम सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे सेलेक्ट करने के बाद में देखिए, आप यहाँ पे से आपके मोबाइल का बैकअप ले सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल को यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे से देखिए इरेज ऑल डेटा, इसे सेलेक्ट करके आप आपके मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए अबाउट डिवाइस ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अबाउट डिवाइस इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे से देखिए, आप आपके मोबाइल की रैम को भी यहाँ पे से इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 GB या फिर 5 GB इस तरीके से आप यहाँ पे इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पे यूज़र एंड अकाउंट्स ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। इसे सिलेक्ट करने के बाद में देखिए, अगर आपको आपके मोबाइल का जीमेल अकाउंट यहाँ से रिमूव करना है तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे से इस तरीके से यहाँ पे रिमूव अकाउंट इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, आपको गूगल ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। इसे सिलेक्ट करने के बाद में देखिए, आपको यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आप आपके मोबाइल के अंदर इसे हमेशा इनेबल ही रखिए, क्योंकि अगर आपका मोबाइल कहीं पे भी गुम जाता है या लॉस हो जाता है तो आप आपके मोबाइल को फाइंड माई डिवाइस के जरिए से ट्रैक कर सकते हैं और आपके मोबाइल का सारा डेटा इरेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर होता है, आप आपके मोबाइल में हमेशा इसे इनेबल रखिए।
तो दोस्तों इस तरह से आज हमने OnePlus Nord CE 2 Lite इस मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स देखे। दोस्तों आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को OnePlus Nord CE 2 Lite और OnePlus के दूसरे मोबाइल्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।